हेलो नमस्ते राम राम। भारत एक सेक्युलर देश है, क्या वाकई में सेक्युलर है या किसी विशेष धर्म संप्रदाय के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सेक्युलर है? हिंदुओं की धार्मिक भावना और सनातन धर्म के इतिहास के साथ सदियों से खिलवाड़ होता आया है। देश के लुटेरे बाबर से लेकर टीपू सुल्तान तक के वंशजों को हमने इतिहास में पढ़ा है, क्या हमने प्रभु श्री राम और पांडवों के वंशज के बारे में पढ़ा है? प्रेम का प्रतीक राम सेतु ना होते हुए ताजमहल बन गया, क्या ताजमहल प्रेम का प्रतीक है? डिसाइड आपको करना है इस वीडियो को देखने के बाद। और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। 1989 में PNO के बुक ताजमहल द ट्रू स्टोरी में 109 प्रूफ दिए गए हैं। ताजमहल एक मकबरा ना होते हुए एक शिव मंदिर है, जिसे 1155 ईस्वी में राजा परमादि देव ने एक वैदिक मंदिर के रूप में बनाया। कहते हैं ताजमहल का नाम मुमताज महल पर रखा गया, जबकि शाही दस्तावेज बादशाह नामा में ऐसा कोई नाम है ही नहीं, बल्कि शाहजहाँ की 7 बीवियों में से चौथी बीवी का नाम अंजुम बानो या मुमताज उस जमाने था। इसमें महल तो कहीं से कहीं तक नहीं आया, तो ये शब्द आया कहाँ से? इनफैक्ट महल शब्द मुगल शब्दकोश में है ही नहीं, तो ये शब्द आया कहाँ से? तेजो महल ऐसे शाहजहाँ के ऑफिशियल दस्तावेज यानी कि बादशाह नामा के पेज नंबर 204 वॉल्यूम 1 में ये उल्लेख है। उन्होंने जयपुर के महाराजा जय सिंह से एक बहुत ही आकर्षक अद्वितीय भव्यता और गुंबजों से ढकी हुई एक हवेली मुमताज को दफनाने के लिए खरीदी थी। क्या ये वो है? अगर ये वो है तो शाहजहाँ को इसे बनाने का क्रेडिट हम क्यों देते हैं? सन 1652 में औरंगजेब ने अपने बादशाह पिता को पत्र लिखे, जिसमें वह शाहजहाँ को अपनी मां मुमताज के 7 मंजिला मकबरे की मरम्मत के लिए मदद मांग रहा था, जिसमें लिखा था गुंबद के उत्तरी हिस्से में दरार है, जिससे यह स्पष्ट होता है यहां ताजमहल की बात हो रही है जो कि 7 मंजिला है। पर 1652 में तो ये नया रहा होगा, क्योंकि इतिहास में लिखा है ताजमहल 1632 से 1653 के बीच बना। फिर ये मरम्मत किस बात की? ये बात मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, ये पत्र का उल्लेख यादगार नामा और आदाबे आलमगारी में है। आगरा से 36 मील की दूरी पर एक शिलालेख मिला था, जो आज एक भी लखनऊ के संग्रहालय में संरक्षित है। बटेश्वर शिलालेख के नाम से यह 1155 ईस्वी का है, यानी कि शाहजहाँ से 500 साल पुराना, जिसमें जिक्र है क्रिस्टल से सफ़ेद शिव मंदिर का, जिसमें आने के बाद शिव जी ने कैलाश पर्वत ना जाने का फैसला लिया। तो क्रिस्टल से सफ़ेद तो पूरे भारत में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो क्या शिलालेख ये ताजमहल की बात हो रही है? अगर हम इसकी बनावट पर गौर करें तो 4 गुंबजों का जो सेंटर गुंबज है वो बड़ा है, जो कि सारे मंदिर में होता है। ताजमहल का अगर हम लेआउट देखें तो ये अष्टकोणीय है, जो कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही 8 दिशाओं को डिफाइन किया गया है, नाम दिया है। ताजमहल के गुंबज के ऊपर त्रिशूल का शिखर है, जिसमें एक कलश जिस पर 2 आम के पत्ते जिन पर नारियल रखा गया है, ये हिंदू धर्म में शुभ माना गया है। अगर हम प्रवेश द्वार की बात करें तो उस पर त्रिशूल अंकित है, कमल के फूल अंकित है। अगर हम कलर डिज़ाइन की बात करें तो ये सारी आकृतियों से शंख ओम के पत्ते स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अगर मैं अंदर की बात करूँ तो यहाँ गुलाबी कमल को दर्शाते हैं। में यह किंवदंति प्रचलित है कि ताजमहल के अंदर मुमताज की कब्र पर सदैव बूंद बूंद पर पानी टपकता रहता है। यदि यह सत्य है तो पूरे विश्व के किसी भी कब्र पर बूंद बूंद कर पानी टपकाया नहीं जाता, जबकि प्रत्येक हिंदू शिव मंदिर में शिवलिंग पर बूंद बूंद कर पानी टपकाने की व्यवस्था की जाती है। फिर ताजमहल मकबरे में बूंद बूंद कर पानी टपकाने का क्या मतलब है? शाहजहाँ के समय के ताजमहल के बगीचे में हर श्रृंगार, बेल, चंपा, मालोश्री, केतकी, जयजुई आदि पौधों और पेड़ों का वर्णन है, जो कि एक हिंदू देवी देवताओं को ही चढ़ाया जाता है। जबकि मकबर और कब्रिस्तान में तो छायादार पेड़ लगाए जाते हैं, फल व फूल को यूज़ करना अच्छा नहीं माना जाता है वहाँ के। तो ये सारे पौधे बेल, आंकड़े, धतूरा शिव जी के लिए हैं। अगर हम ध्यान से गुंबद को देखें तो पाएंगे कि गुंबद की टोपी के ऊपर कमल का फूल है, जबकि इस्लाम के कोई भी गुंबद को अगर हम गौर से देखें तो वो प्लेन होता है।
अब हम बात करते हैं नदी किनारे पर संगमरमर के चबूतरों के ठीक नीचे लाल स्टोन के 22 कमरों की, जहां पर किसी का भी जाना प्रतिबंधित है, जिसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अभी इन्हीं कमरों को खोले जाने की मांग हो रही थी। ये सारे कमरे पूरी तरह से सील्ड है, बंद है, पर ऐसा क्यों, ऐसा क्या है उसमें? कहते हैं इन कमरों में 300 फीट लंबा गलियारा है और आखिरी बार 1934 में एक दिल्ली के व्यक्ति ने सुराख में से झांका तो उसमें उसको बहुत बड़ी खंडित शिवजी की प्रतिमा दिखी और साथ ही दूसरी प्रतिमाएं भी दिखी। इतिहासकार रवि भट्ट ने भी बताया कि 1632 में शाहजहां ने राजा जय सिंह से 17 एकड़ जमीन के साथ ही एक हवेली खरीदी थी। क्योंकि राजा जय सिंह एक हिंदू राजा है और उनकी हवेली यहाँ पर थी, तो ये तो तय है कि हवेली है तो मंदिर भी होगा, मंदिर है तो मूर्तियां भी होंगी भगवान की। क्या ये मूर्तियां जो उन बंद पड़े 22 कमरों में है, क्या वजह है इन कमरों के बंद होने की? से बहुत से लोग हैं जिन्होंने ताजमहल पर शोध किया। इन्हीं में से एक है न्यूयॉर्क के पुरातत्वविद प्रोफेसर मर्लिन मिलर, जिन्होंने ताजमहल की यमुना की तरफ के दरवाजे की लकड़ी की कार्बन डेटिंग के आधार पर 1985 में ही सिद्ध कर दिया था कि यह दरवाजा सन 1359 के आसपास अर्थात शाहजहां के काल के लगभग 300 साल पुराना है। मतलब ये तो तय है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनाया है। ये सारे तथ्य मैंने PNO के बुक में से पढ़े हैं। आप भी इस बुक को पूरी तरह से पढ़िए, आपको भी पता चल जाएगी सारी चीजें। जिस तरह से ज्ञानवापी में महादेव मिले हैं, उसी तरीके से मुगलों ने सैकड़ों मंदिरों को लूटा, ध्वस्त किया और अपनी इमारतें खड़ी कर दी। सैकड़ों मंदिर है जिन्हें न्याय मिलना बाकी है। इसी तरह से एक मंदिर इंदौर के पास में धार जिले में स्थित भोजशाला, जो कि माँ सरस्वती जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या हम हिंदुओं को न्याय मिलेगा, या फिर जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया सेकुलरिज्म के नाम पर हम हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खेला जाएगा और राजनीति के लोग अपनी रोटियां सेकेंगे। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।